जनरल स्टडी को समझने के लिए कंपैरिजन करके याद करना ज्यादातर बेहतर है। तो आज हम देखते हैं रामायण और महाभारत। रामायण समथिंग 550 बीसी में लिखा गया था और महाभारत 500 से 400 बीसी के समथिंग में लिखा गया था। रामायण को भारत का आदि काव्य कहा जाता है और महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। रामायण में 7 कांड हैं, महाभारत में 18 पर्व हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, वहीं महाभारत में अभी 1,10,000 श्लोक हैं। लेकिन जब 8,800 श्लोक था तो उस समय महाभारत का नाम जय संहिता था, इसको हम पुराना नाम भी बोलते हैं। जब महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तब उस समय उसका नाम महाभारत रखा गया। इस तरह हम देखते हैं कि जो 18 पर्व है महाभारत में, उसमें छठवां पर्व जो था उसमें गीता का वर्णन है। रामायण में देखेंगे कि उसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था, महाभारत का रचना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था, रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था और महाभारत का भी बदायूनी ने किया था, लेकिन रज्म नामक के नाम से। रामायण में तमिल में जो रचना की थी कंबन ने, महाभारत में पेरुवेंदेवार ने किया था। बंगला में काशीराम दास रामायण की रचना की थी, महाभारत का कीर्तिवास ने किया था। अंग्रेजी में रामायण की रचना आरटीएच ग्रिफिथ ने की थी, महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद के मोहन गोंगली ने किया था। सच्ची रामायण की रचना 20वीं सदी में रामस्वामी नायकर पेरियार ने किया था। उसी तरह भगवद गीता का अनुवाद फारसी में दारा सिकोह ने किया था। हम एक क्वेश्चन देखते हैं, रामचरित मानस तुलसीदास ने लिखा था अवधी भाषा में, उत्तर रामचरित मानस भवभूति ने लिखा था। रामायण में सदाचार नैतिकता और धर्म की प्रधानता है, वहीं महाभारत में कर्म और शौर्य राजनीति एवं कूटनीति की प्रधानता है। आगे के वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।